केवल नारी बुद्ध ही नहीं पैदा करती, वो खुद भी बुद्ध होती है, बुद्ध मनोगया, वो स्वयं भी सत्यनिष्ठा होती है। वो सामान्य नहीं थी, आ ब्रह्म कीट जननी, आगे नहीं आती है बात, अलग है। आ ब्रह्म कीट जननी, उनसे ब्रह्म और कीट एक साथ पैदा होते हैं, पूरी सृष्टि उनसे प्रकट होती है। भले ही पीछे रहे, छुपके रहे, न सामने आए, करा अंगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, उनके नख से ही ये नारायण आदि, पर कितनी वो चुप है, वहां शांत है, बहुत ऊंची सी। एक बात तो वो कहती है कि जो कुछ है ये जय, ये जो विजय, इतनी विभूति वैभव, ये दिग्दिगंत में जो यश विस्तार है, अहलौकिक पारलौकिक जो अनुकूलताएं आज हैं, ये सब आपके कारण है। जब से आप आए हमारे जीवन में, जन्मना ब्रज, जय आपके कारण है, विजय विभूति विद्या आपके कारण है। कुछ जो कुछ भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, महनीय है, उदात्त है, अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है, कुछ वैसा जो बड़ा विलक्षण है, ये श्री का भी आगमन, इन महादेवियों का भी आगमन आपके ही तो कारण है। अकारण ही महादेव हमारे बीच आए, ये गोपेश्वर बन जाए, चकलेश्वर बन जाए, भूतेश्वर बन जाए, बटेश्वर बन जाए, ये भूतेश्वर बनकर, चकलेश्वर बनकर, गोपेश्वर बनकर, सोमेश्वर बनकर, रमण बिहारी में भी भगवान महादेव विद्यमान हैं, महावन में उनकी वहां उपस्थिति है। वो कितने सहज हैं, अपनी महानता बिसार कर वो वहां पहुंच गए। आपके कारण ही तो इंद्र हमारी वंदना करते हैं। जो नारद का सहज आगमन हो जाता है हमारे बीच, सनकादिक का, अपनी विभूति विसार कर महादेव हमारे मध्य, रास के मध्य चले आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, तो गोपेश्वर बनकर वो गोपी भाव से, ये आपके कारण है, ऋषि मुनियों का झुंड आपके कारण है। इसे कुछ भी आपके पास वैसा हो, अलौकिक, कुछ श्रेष्ठ, कोई एक आकर्षण आप में हो, तो उसे अपना मत मानिए, वो विभूति है भगवान की, उसे प्रसाद मानिए। ये सच है कि प्रारब्ध से ही सब कुछ प्राप्त है आपको, पर प्रारब्ध भी क्यों कहते हो, इसे प्रसाद कहिए, इसे अनुग्रह कहिए। प्रारब्ध भी कहने से अभिमान आता है, कर्तापन का अभिमान, कि कुछ अच्छा किया होगा उसका फल मिल रहा है। हम ये भी क्यों कहें कि ये प्रारब्ध है, ये प्रसाद ही है, ये अनुग्रह है, उपहार है, ये अनुदान है, ये उनका। तो जो ईश अनुदान है, देवानुदान है, देव अनुग्रह है, उनके कोई उपहार हैं, ये जो विभूति है हमारे पास, विद्या के रूप में वो विनय हो, किसी भी प्रकार का आकर्षण हो, कुछ भी कुछ ऐसा जो अलौकिक है, जिसमें विस्मय है, कुछ लोगों को कुतूहल हो आपको देखकर, वो अचंभित हो किसी भी चीज से, वो भगवत प्रसाद है, ऐसा गोपियां कहते हैं।